हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A25 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A25 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस है, तो हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे QR कोड स्कैन करके बिना पासवर्ड के कनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं। सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है। तो सिंपली आपको बस इस पे जाना है, पर इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसलिए आपको कनेक्शंस पे जाना है। कनेक्शंस पे जाकर वाईफाई पे चले जाना है, तो सिंपली आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इस पे जाकर आप जैसे QR कोड का यूज़ करते हैं और QR कोड के जरिए वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कनेक्ट करते हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो सिंपली देख सकते हैं कि आप यहाँ से QR कोड स्कैन करते हैं तो बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वायरलेस इंटरनेट आप चला पाएंगे एंड आप स्कैनर सेटिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं और स्कैन करके भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करके वायरलेस इंटरनेट आप चला सकते हैं, बिना पासवर्ड भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।